नमस्कार दोस्तों, शाला दर्पण पोर्टल पर किस प्रकार से कार्मिक का नाम और एम्प्लॉय आईडी दोनों किस प्रकार से सही करें वो इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। कुछ कार्मिकों के शाला दर्पण पोर्टल पर नाम गलत लिखा होता है और एम्प्लॉय आईडी भी सही नहीं लिखी होती है, तो किस प्रकार से सही करें इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन नॉलेज। सबसे पहले आप लोगों को शाला दर्पण के होम पेज पर आना होगा, यहाँ पर लॉगिन करना होगा। ध्यान में रखिए ये स्कूल आईडी से होगा, ना कि स्टाफ लॉगिन आईडी से होगा। तो आप अपनी स्कूल आईडी से लॉगिन करके इसको अपने कार्मिक का नाम और एम्प्लॉय आईडी सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने स्कूल की आईडी डाल देते हैं यहाँ पर यूज़र नेम में, और यूज़र ही नेम के नीचे पासवर्ड डाल लेते हैं। तो पहले हम लोग यूज़र नेम डाल लेते हैं, स्कूल आईडी डाल लेते हैं यहाँ पर, स्कूल की आईडी डालनी होगी यहाँ पे, फिर नीचे पासवर्ड डाल लेते हैं, फिर नीचे कैप्चा डाल लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं हम लोग। अब ये शाला दर्पण का होम पेज खुल चुका है। होम पेज खुलने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे जाना होगा स्कूल वाले टैब पे। तो स्कूल वाले टैब पर हम लोग क्लिक करेंगे। स्कूल वाले टैब पर क्लिक करने के बाद या नीचे देखिए एक ऑप्शन दिखा होगा हेल्प सेंटर मॉड्यूल्स स्कूल इशू, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज खुलने के बाद यहाँ एक नीचे ऑप्शन दिया गया है जिस पर आपको क्लिक करना होगा। लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक हेयर टू रिपोर्ट एन इशू एंड प्रॉब्लम, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में देखिए इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा जिसमें तीन चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि आपकी मेन प्रॉब्लम कौन सी है, तो इस मेन प्रॉब्लम आपकी कौन सी है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है, स्टाफ रिलेटेड इशू है, स्टूडेंट रिलेटेड इशू है, तो आपको स्टाफ रिलेटेड इशू पर क्लिक करना होगा क्योंकि हमें अपना नाम सही करना है और एम्प्लॉय आईडी सही करनी है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे एक दूसरी कैटेगरी सब कैटेगरी दी गई है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी कैटेगरी आ चुकी है, जैसे स्टाफ ज्वाइनिंग है, स्टाफ रिलीविंग है, क्लास टीचर मैपिंग है, लीव अप्रूवल से संबंधित है, स्टाफ अटेंडेंस से संबंधित है, और स्टाफ नया एम्प्लॉय आईडी अपडेशन से संबंधित है। तो हम लोगों को अपना नाम सही करना है, इसलिए हम लोगों को क्लिक करना होगा स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉय आईडी अपडेशन वाले ऑप्शन पर हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना होगा, जैसे आपका सही नाम क्या है, गलत नाम क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, स्टाफ आईडी क्या है। तो ये तीन चार चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है, यानी कार्मिक का थोड़ा शॉर्ट में ब्यौरा देना है। सही नाम गलत नाम ये ज़रूर लिखना है। ये सब सारी चीज़ें लिखने के बाद नीचे एक चूज़ फाइल का ऑप्शन दे रखा है, हम इस चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर दसवीं की मार्कशीट और जो सेवा पुस्तिका है कार्मिक की, उसका फर्स्ट पेज की दोनों की एक साथ पीडीएफ बनाकर यहाँ पर हमें अपलोड करनी होगी। ध्यान रखिए ये पीडीएफ आपको पहले ही बनाकर सेव करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद फाइल में किस जगह पर वो फाइल पड़ी है, जैसे अभी यहाँ पर डाउनलोड में मैंने वो फाइल सेव कर रखी है, और यहाँ पर देखिए मैंने फाइल क्लास 10 मार्कशीट के नाम से सेव कर रखी है। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ध्यान रखिए 200 KB से ज़्यादा इसकी फाइल की साइज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर में एक बटन दिया गया है प्रॉब्लम रिपोर्ट करें, इस वाले पर हमको क्लिक कर अपनी प्रॉब्लम रिपोर्ट करानी होती है। इसके बाद कुछ दिनों में आपका नाम सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।